हैं। इसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएं, लॉगिन करके वहां ई श्रम सर्विस सर्च करें। यहां आप ई श्रम के पेज पर रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी डिजिटल सेवा पर क्लिक करें। इससे आप अपनी ई श्रम के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहां आपको अब तक हुए रजिस्ट्रेशन की पूरी समरी दिखाई देगी। अब श्रमिक को रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूडब्ल्यू को चुनें। श्रमिक से उनका मोबाइल नंबर पूछें, कैप्चा कोड भरें, पंजीकरण के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी के मेंबर न होने की घोषणा नो ऑप्शन को चुनकर करें। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। श्रमिक के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे भरकर वैलिडेट करें। वैलिडेट करते ही श्रमिक का आधार नंबर पूछा जाएगा। आप श्रमिक से उनका आधार नंबर लेकर उनकी आधार संख्या भरें। ई केवाईसी के लिए आप श्रमिक की फिंगरप्रिंट, आंखों की आयरिस या फिर ओटीपी में से किसी भी एक विकल्प को चुनकर सबमिट करें। यहां मान लेते हैं कि आप फिंगरप्रिंट का विकल्प चुनते हैं, तो अब आपको अपने स्कैनर पर श्रमिक की फिंगरप्रिंट लेनी होगी। श्रमिक की फिंगरप्रिंट मैच होते ही आप उसे वैलिडेट करें। इससे आधार में पहले से दर्ज सभी जरूरी बेसिक जानकारी का डेटा अपने आप सिंक हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर श्रमिक की आधार ई केवाईसी संबंधी जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद इस प्रोसेस के 5 चरण हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। इसमें सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें और श्रमिक से पूछते हुए सभी जानकारी भरते चलें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे आप दूसरे चरण यानी एड्रेस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आप श्रमिक का स्थायी और वर्तमान पता भरें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे आप तीसरे यानी एजुकेशन और इनकम संबंधी जानकारी वाले पेज पर आ जाएंगे। यहां आप श्रमिक की शैक्षणिक योग्यता और मासिक आय का विवरण श्रमिक से पूछकर भरें। यहां आपको श्रमिक की शैक्षणिक सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप चौथे चरण यानी ऑक्यूपेशन मतलब श्रमिक के पेशा और स्किल वाले पेज पर आ जाएंगे। यहां श्रमिक का पेशा और उनकी वार्षिक अनुभव की जानकारी उनसे पूछकर भरें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने पांचवा और अंतिम स्टेप बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा। इसमें ये पोर्टल श्रमिक के उस बैंक अकाउंट को अपने आप ऑनलाइन वेरीफाई कर लेगा जिससे श्रमिक का आधार नंबर जुड़ा हुआ है।